मेराज हुई अल्लाह के रसूल सल्लम को, वो फिज़िकल हुई थी या ख्वाब था? तो और उसके अंदर बहुत साइंस था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस वक्त के लोग, उस दौर के लोग नहीं समझते थे, जो आज हमारे लिए वाज़े हैं। कुरान की कई आयतें हैं जो उस वक्त के लोग नहीं समझ सकते थे, उनके लिए वो मुतशाबिहात में थी, छुपी हुई चीज़ें। लेकिन यह है कि हम आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से हम करते जा रहे हैं, तो कुरान तो क़यामत तक के लिए और वाज़े होता चले जाएंगे। हदीस की तशरीह भी इसमें होती जाएगी, और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा ये चीज़ें हमारे सामने खुलती जाएंगी, फिर हमको ये वो लगेगा नहीं। पहले ये अजूबा लगता था, लेकिन उसके बाद में नहीं लगेगा। मिराज पूरी साइंस ही है अगर उसको हम देखें, लेकिन चूँकि पिछले लोग उसको समझते नहीं थे, उनके पास में वो टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं थी, तो वो अपने हिसाब से जो उन्होंने समझा और अच्छा समझा, क्योंकि उस जैसा दौर होता है। हो सकता है कि आज हम जो समझ रहे हैं, आपको मैं अभी बताऊँगा, जैसे हो सकता है कि आने वाले 10-30-40 साल बाद लोग हमारी बात को भी सुनकर कहें कि अरे वो देखो कितने बेवकूफ़ थे, उनको इतना ही पता नहीं था, क्योंकि साइंस उस वक्त और तरक्की कर चुका होगा। तो मिराज असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिज़िकल हुई। अब इसके अंदर दो अल्लाह के रसूल सल्लम के दो बार ऐसा हुआ कि एक तो बचपन में अल्लाह के रसूल सल्लम को दिल को निकाला गया, उसको धोया गया, जो अल्फाज हमको मिलते हैं उसमें। दूसरी बार जब मिराज पर गए थे, तो उसके ताल्लुक से भी हदीसों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम के जो है फरिश्ते आए, फरिश्ते आकर अल्लाह के रसूल सल्लम कल्ब को निकाला गया। उसके बाद में वो अल्फाज उसमें ही कि उसके अंदर ईमान उड़ेला गया, हालांकि वो भी सही चीज़ें नहीं, क्योंकि जो रसूल है खुद पहले से, जिनको 10 साल हो गए रसूल बने हुए, और उनको फिर बाद में ईमान डाला जाए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही ईमान वाले। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं उसके अंदर, क्योंकि इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा रिवायत है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिलावट भी बहुत हो गई, तो उसको छाड़ना ही मुश्किल हो गया। तो उसमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम को कल्ब को उन्होंने दिया। अब ये उसके अंदर ये हो सकता है कि जिस तरीके से इंसान जब एक तेज स्पीड में जाएगा, तो उसके लिए मादी जिस्म उसका जल जाएगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि बाहर से रोजाना तकरीबन जो ये सियारे और सितारे होते हैं और 70 बड़े बड़े उल्कापिंड जिसको हम कहते हैं, ये रोजाना 10 अरब ज़मीन पर गिरते हैं, रोज गिरते हैं, और वहाँ से इतनी तेज़ स्पीड में आते हैं कि जब ये हमारी स्नोफियर है, जो 7 लेयर है इसकी, जब हमारी ज़मीन के ऊपर, इसके ऊपर जब आते हैं इसके अंदर, तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम किया है कि जैसे ही इस रेंज में आते हैं और जल जाते हैं उस स्पीड से, वो जलते भी आते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से कोई भी चीज़ चलेगी जल जाएगी। तो जिस्म को अगर इतनी तेज़ी से सातों आसमान में एक ही रात के अंदर, कुछ लम्हात के अंदर, कम से वक्त में जाना है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, और मादी जिस्म वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि ये जल जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम को फरिश्तों ने आकर, या ऐसी हो सकता है कि हम भी आगे जिस तरह साइंस तरक्की कर रहा है, ऐसी चीज़ें हम कर ले, जिसको हम कहते हैं, हम फिल्मों में आज देखते हैं, जिसको बोलते हैं कि आदमी ट्रांसमिट होता है, यहाँ से गायब होता है, दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर देखा होगा। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी आ रही है, हो सकता है कि आज एक भी दिन इंसान इसको अचीव कर ले और वो गायब हो के, फिर ये नहीं होना पड़ेगा कि प्लेन में बैठना पड़े हमें, कोई मशीन होगी वहाँ जाकर हम बैठेंगे, अमेरिका जाना, और वहाँ से आपको बिठाएंगे और वहाँ से आपको विजिबल करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, 3D प्रिंटर, ये भी अगर आप जानते हो टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम को उन्होंने इस तरह से किया कि उनका मादी जिस्म ख़त्म करके फरिश्तों ने उनको उस फॉर्म में ले गए, यानी या तो नूरी फॉर्म में ले गए, और फिर उसके बाद उनको मेराज पे ले गए। अब जो अल्फाज उसके अंदर आते हैं कि उसको, अब वो अल्फाज जो है बर्क के हैं, बर्क अरबी में बोला जाता है बिजली को, और हम जानते हैं कि आसमान के लिए जब हम स्पीड नापेंगे तो उसके लिए किलोमीटर माइल्स नहीं नापा जाता, उसके लिए हमको लाइट ईयर से नापा जाता है, कितने लाइट ईयर लगेंगे सूरज पे जाने में, इतने लाइट ईयर लगेंगे चांद पे जाने में, उस सितारे पे जाने में। तो वो चीज़ थी वहाँ पर कि बर्क यानी कि लाइट की स्पीड से उनको ले जाया गया। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि वो बर्क को बुराक से तब्दील कर लिया, कि वो बुराक है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आ गई कि वो फिर उस पर बैठे और उसके फिर हद नहीं हद्दा जहाँ तक जाती थी वो कदम वहाँ तक उसके पड़ते थे, तो वो हमने क्या करा कि उसको जानवर बना दिया। समझ भी नहीं आया, हालांकि बर्क का मतलब बिजली होता है, बिजली मतलब इतनी स्पीड से जाना, यानी एक लाइट ईयर, एक स्पीड इसको कहा जाता है कि
जो एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चल जाए। 3 लाख किलोमीटर हमारी ज़मीन भी नहीं है इतनी, 3 लाख किलोमीटर जो चीज़ चलेगी एक सेकंड के अंदर, यानी ज़मीन के हमारी जो ज़मीन का जो व्यास है इसके 7 चक्कर लगा ले, उसको कहते हैं कि एक सेकंड में ये स्पीड होती है आसमान में जाने की। तो उस स्पीड से वो गए तो उसको कहा गया कि बर्फ, तो पहले आप मस्जिद अक्सा जाए, फिर वहाँ से आपको मेराज ले जाया गया। तो ये उसमें ये हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ वो एक जानवर तसव्वुर कर लिया उसको, उस वक्त तो नहीं, क्योंकि देखिए हम अब आज अगर उनसे कहेंगे आसमान में जाना, कैसे जाएंगे आज के, आज हम सोचे कैसे जाएंगे आसमान, नहीं स्पेशल हमारे पास क्या होगा, वाहन क्या होगा, रॉकेट होगा, क्योंकि हमारे ज़माने में रॉकेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट से जाएंगे। अब उनके पास में क्या सवारी थी सबसे तेज, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी से ये सोच का फर्क होता है। अब हम भी इससे आगे नहीं जा रहे, हम भी रॉकेट तक ही हैं, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ इससे ज़्यादा हमने देखा ही नहीं, तो हम रॉकेट कह रहे हैं उसको। तो हो सकता है कि कोई कहते नहीं वो रॉकेट होगा, वो घोड़ा देखा होगा, ये भी कहते, क्योंकि अभी के तस्वर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जो है फरिश्ते उनको ले गए थे, वो इतनी स्पीड में थी, उसको बर्ग कहा गया तो उससे वो गए थे, और पूरा फिजिकल हुआ था, और फिजिकली इससे हुआ था कि फरिश्तों ने आकर उनके जिस्म के अंदर तब्दीली की, और जिसकी वजह से मादियत उनकी ख़त्म हो गई, और उसके बाद वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद वो एनर्जी में चले गए, तो इस वजह से वो जल नहीं पाए। तो ये आज साइंस है हमारे पास, इसको जितना आज हमारे पास साइंस है उसको समझ सकते हैं। और ये भी होगा एक दिन कि अभी तो एक साइंस जो है साइंसदान उसको सुनाए तो वो कहेगा नहीं यार ये तो खाली कोरी कथा है, ये तो देवमाला है और तो कुछ ही नहीं है आप सुना रहे। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी आए, उसमें मालूम पड़े कि नहीं इसे किया जा सकता, और आसमान के आगे और आसमान है, अभी तो नहीं मानते हो लेकिन मान, क्योंकि अभी ताज़ा 1-1.5 महीने पहले ही का वाकया है कि उन्होंने होल्स देखे, ब्लैक होल्स, उसके फ़ोटो उन्होंने शाया की कि भाई ये है, यानी अब उस ये कुरान के अंदर है, कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर हमें आसमान के ये दरवाजे खोल दें तो तुम घेरा जाओगे, हैरान हो जाओगे, तुम कहोगे, तुमको लगेगा कि नशा हो गया, क्योंकि वही बात होगी आसमान खुल जाए, जैसे आसमान कहते खुली चीज़ को, लेकिन उसके अंदर भी दरवाजा खुल जाए तो हम वाकई में हम घेरा जाएंगे कि क्या है इसके ऊपर, क्योंकि पूरा जब हम सितारे देखकर, अब यूँ तो दिखती नहीं अब सितारे, लेकिन अगर आप सितारों को देखें नाइट में रात को, और आप इसको बाइनोकुलर से देखेंगे अच्छा बड़ा अच्छा से लेके, तो आप डर जाएंगे अगर उसको पास करके देखेंगे। सितारों को देख के डर जाता आदमी, हैयत आ जाती उसके अंदर, इतने सारे सितारे एकदम चमकते हुए ब्लैक के अंदर चमकता है तो आदमी डर जाता है। आप कोशिश करना कभी आपको बड़ा बाइनोकुलर मिले जिससे ज़्यादा क्लोज करके देख सकते, तो आप खुद डर महसूस हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा तो आदमी हैरान हो जाएगा, ऐसा लगेगा नशे में, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो ये अभी हुआ 1 महीने पहले, और ये जो कुरान की आयत थी जिसको समझ नहीं पा रहे थे कि आसमान में दरवाजे हो रही है, और ये हमारे सामने आ गया, ये चीज़ें, तो ये इस वजह से बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि पहले के लोगों को वो नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि उस वक्त उनके जो समझ में आया, मैंने आपको मिसाल दी, हमारे रॉकेट से ऊपर हम अभी नहीं जा सकते, रॉकेट से ऊपर हम अभी जाते ही नहीं, तो वो उस वक्त घोड़े से आगे जा नहीं सकते, तो उन्होंने उसको घोड़ा तस्वर कर लिया। फिर जब उन्होंने कर ही लिया तो फिर हमारे यहाँ पर जो सही है वो भी अभी भी यही मानते हैं कि हाँ नहीं बुर्रा क्या, नहीं कोई घोड़ा एक जानवर ही था, वो जन्नती जानवर था, या दूसरों ने क्या करा कि उसको लेके झूले में बिठा दिया, उसके पर भी लगा दिए, उसको जो है नोटों की माला भी पहना दी, जेवरात भी पहना दी, तो हम